तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई हो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैं एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, ज़रूरी आपको कुछ जानकारी बताने वाला हूँ। वार्षिक परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं या आपका 25 से एग्ज़ाम शुरू है, तो अगर आप परीक्षा देकर आ चुके हैं या आप और भी सब्जेक्ट का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ, वरना आप भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वार्षिक परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि क्या नोटिस है, इसको कानपुर यूनिवर्सिटी ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके भी बताया है कि यहाँ पर देख सकते हैं, 3 नकलची पकड़े, 457 छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नकल का बहुत ही ज़्यादा हर बार से वही रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एग्ज़ाम शुरू होते ही पहले ही दिन देख सकते हैं 3 नकलची पकड़े गए हैं और यहाँ पर 457 छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। यहाँ पर आप सारा नोटिस देख सकते हैं, कौन से छात्र हैं, इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी यहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर में यहाँ पर यह खबर छपी हुई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा शुरू पकड़े गए 3 नकलची, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये नोटिस है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय CSJMU की वार्षिक परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। कानपुर नगर समेत 7 जिलों के करीब 366 केंद्रों पर पहले दिन ही छात्र छात्राओं ने इतने सारे लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। पहले ही दिन 3 छात्र नकल करते हुए पकड़े गए हैं। इनमें से 2 छात्र कानपुर में और 1 छात्र रायबरेली में पकड़ा गया है। 2 पालियों में हुई परीक्षा में 457 छात्र अनुपस्थित रहे हैं। CSJMU व इससे संबंध महाविद्यालयों में संचालित स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष से परास्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई थी। तो आपको मैं बस यही बताना चाहता हूं कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इतना टाइम से वेट कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से एग्ज़ाम डेट आती है, उसके बाद आप सभी का एग्ज़ाम होता है, 3 साल आपका बर्बाद होने से बच जाए। तो आपको नकल वकल के चक्कर में मत पड़ना है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से याद करके जाना, अच्छे से वहाँ पर लिखना है, वरना आप नकल के चक्कर में कहीं फंस जाते हैं तो आपका पूरा साल, पूरा 3 साल भी बेकार जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।